और बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वाल्मीकि नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के पार्टी में आने से संगठन मजबूत होगा। इस दौरान सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को धन्यवाद दिया और उससे कांग्रेस पार्टी का आज सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम लोग पार्टी के तरफ से इनका स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी में और इनके आने से निश्चित रूप से उस इलाके में पार्टी मजबूत होगी। अब उनको मैं आग्रह करता हूं कि एक मिनट हो आपके आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मेरे जितने समर्थन लोग हैं उसके साथ में हमारे संगठन के सारे लोग के साथ में आज मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र में क्या अपने अगल बगल जो भी है हर जगह मैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। यही हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जीतनराम मांझी का राज्य स्तरीय अभिनंदन किया गया। समारोह पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ और जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के साथ पार्टी के बाकी लोग नेता जो थे वो मौजूद थे। बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर चुनाव उपचुनाव भी होना है जिसमें इमामगंज विधानसभा सीट जीतनराम मांझी के लोकसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई है। अभिनंदन समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आने वाले विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत का दावा किया है। कि जो कौम मतलब गरीबों का कौम जो पार्टी के लोग अपने नेताओं की बात सुनने के लिए 5-5-6 घंटा बैठता है उस पार्टी को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकेगा ऐसा मेरी मानना है। हाँ। तो आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से हमें केंद्रीय मंत्री बनने के उपलक्ष में सम्मान समारोह रखे हैं। संतोष जी ने भी इस बात को कहा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम भी कहना चाहते हैं कि हमारे मंत्री बनने पर जीतन मांझी का सम्मान नहीं ये बिहार के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सभी साथियों का सम्मान है और सम्मान के लिए आ जाया है। और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने चल रहे तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कच्ची कांवरिया पथ सहित गंगा घाट का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विभाग और जिला प्रशासन और अन्य विभाग सब लोगों ने कई चीज़ों की तैयारी की कर रखी है। जो एडिशनल चीज़ें जो मुझे अभी इन लोगों के चर्चा पहले भी जो श्रावणी मेला को लेकर विभाग की तरफ से जो निर्देश आते हैं सफाई को लेकर स्वच्छता को लेकर या अन्य व्यवस्था को लेकर क्याउ से लेकर बाकी कहीं के पर लाइटिंग की व्यवस्था भी करते हैं तो ये जिला प्रशासन और बिहार सरकार के जो अन्य विभाग हैं शायद उसमें PhD कहिए टूरिज्म कहिए नगर विकास विभाग कहिए ये सब मिलकर कर रहे हैं। पूरा श्रावणी मेला एक अच्छे प्रयास से हो इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ चीज़ें और आवश्यकता है जैसे CCTV कैमरा की बात आई तो हमने कहा है जिला प्रशासन से कि वो उसका प्रस्ताव हमको दे वो CCTV कैमरा बढ़ाने की आवश्यकता होगी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी तो नगर विकास विभाग उसको अपने अंतर्गत करा देगा। जहाँ पर यात्री शेड की बात है तो जहाँ जहाँ पर भी यात्री शेड की आवश्यकता होगी जैसे अभी उन्होंने बताया कि रेलवे की ज़मीन पर हमारे पास वो घाट पे है वहाँ पर और आवश्यकता हो सकती है तो 1000 का टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया है 500 जिला प्रशासन ने बनाया तो वहाँ पर 1000 और लोगों का यात्री शेड नगर विकास विभाग के तरफ से भी बन जाएगा।